बिना ड्राइविंग टेस्ट के कैसे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहला स्टेप होता है ड्राइविंग टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही किसी को लाइसेंस मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अथॉरिटी ये जान ले कि जिस शख्स को लाइसेंस दिया जाना है उसे गाड़ी चलाने आती है या नहीं। इसलिए टेस्ट में पास होने वाले को ही लाइसेंस यानी DL दिया जाता है, जबकि इसमें फेल होने वाले को नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट देने की कंडीशन से राहत मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस दिशा में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके आम जन से सुझाव मांगे हैं। इसमें शर्त ये जोड़ी गई है कि ड्राइविंग लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब आवेदनकर्ता ने किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीखी हो। ऐसे में आवेदनकर्ता को ड्राइविंग के योग्य माना जाएगा और उसे आवेदन के बाद किसी भी तरह के टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि इससे सड़क हादसों में कमी आए, साथ में प्रशिक्षित चालकों की संख्या बढ़े। मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूलों में कई चरणों में ड्राइविंग सिखाने का काम होता है, इससे उनकी दक्षता बढ़ती है। मंत्रालय की ओर से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता को लेकर भी कुछ नियम बनाने की तैयारी चल रही है, उसके बाद ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता मिला करेगी।